ये है एवोकाडो सीड्स। मैं इसको 24 घंटे के लिए पानी में भिगा देती हूँ। अभी इस एवोकाडो सीड्स को 24 घंटे हो चुके हैं। मैं इसको अभी पानी से निकाल लेती हूँ और ऊपर से जो इसका स्किन है वो निकाल देती हूँ। ये देखिए, ये एवोकाडो सीड्स स्किन निकालने के बाद में ऐसे दिखता है। अब हम ये जो टिश्यू पेपर है इसको कर लेते हैं गीला, क्योंकि हमें ये ऐसे गीला करने के बाद में इसको ऐसे रख देंगे और ऐसे जमा करने के बाद में टिश्यू पेपर में इसको एक डब्बे में बंद कर देंगे और ये कुछ हफ्ते के लिए हम रख देते हैं। अब देखते हैं, मैं बीच बीच में इसको देखते जाऊंगी कि ये है एवोकाडो सीड्स का 21 सितंबर का अपडेट्स। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके जीवन सार चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। साथियों, अगर मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे। ये आप क्या देख रहे हैं मेरे हाथ में? ये है एवोकाडो सीड्स का स्प्राउटिंग। इस सीड्स को मैंने भिगो दिया था 24 घंटे के लिए पानी में और उसके बाद इसको गीले टिश्यू पेपर में लपेट कर एक प्लास्टिक के डब्बे में मैंने बंद कर दिया था। बीच बीच में मैं इसको चेक करते रहती थी। अब आज है 29 सितंबर 2023। आप देख रहे हैं करीब एक महीने की इसकी जर्नी। सॉफ्ट फल में से ही सीड्स को निकाले तो फल पका हुआ होने के कारण आपको मैच्योर सीड्स इसकी मिल जाएंगी। सीड को ग्रो करने के पहले मैं आपको बताती हूँ, एवोकाडो का पौधा ना ही गर्म ना ही एकदम ठंडी जगह ये ग्रो होता है, इसलिए तेज गर्मी या तेज ठंडी के महीने छोड़कर इसको आप कभी भी उगा सकते हैं। अगर आप बहुत गर्म जगह रहते हैं तो इस प्लांट को प्लांटों के झुंड में रखिए ताकि इसको ठंडक मिले, और अगर आप ठंडी जगह पर रहते हैं तो बर्फ से या पाले से बचा के रखने के लिए इसको ग्रीन नेट में रखें या इसको बचाने की जो आप तरकीब सोच सकते हैं वो रखें, और सुबह से शाम तक जहाँ रोशनी आती हो ऐसी जगह पर आप रखिएगा। अब लगाते हैं प्लांट को मिट्टी या कोकोपीट में। ये मेथड थोड़े गर्म इलाके के जगह रहने वाले लोगों के लिए हैं। गमले में मिक्स हम अभी भर लेते हैं। ये देखिए, इसका ड्रेनेज होल मैंने बंद कर दिया है। ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। हर एक प्लांट के लिए ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसके ड्रेनेज होल पूरे बंद कर दिया है। ये मैंने इसके लिए आधा कोकोपीट और आधा गार्डन सॉइल लिया हुआ है, और मिट्टी को थोड़ा सा ऐसे हाथ से दबा दे ताकि एयर पॉकेट्स ना रहे इसके बीच में। याद रखिए, गमले में ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है ताकि पानी उसमें रुके ना। और फिर आपको बीज का ये जो सरफेस वाला एरिया है ना, ये मिट्टी की तरफ मतलब मिट्टी में लगाना है। ये सरफेस वाला एरिया जो है थोड़ा लाइट ब्राउन होता है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, आप पहचान पाएंगे कि कौन सा सरफेस वाला एरिया है। ये सरफेस वाला एरिया हम ऐसे मिट्टी में लगा देंगे। आप बीज को पूरा ढक भी सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर रखूंगी ताकि इसकी जर्नी मुझे पता चले कि ये कैसे बढ़ रहा है, और आपको अपडेट्स भी तो देना है। और आखिरी में इसको थोड़ा सा पानी दे दूंगी और अच्छी रोशनी वाली जगह है पर मैं इसको रख दूंगी। वैसे तो एवोकाडो को सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए 15 दिन से 40 दिन तक का समय लग सकता है। ये जो मैंने सीड मेरी सीड्स है ये 1 महीने की जर्नी इसकी है। आपके यहाँ कैसे वातावरण है ये देख के ये सीड्स जर्मिनेट होगी। इसको लगाने के लिए थोड़ा पेशेंस, थोड़ी सब्र जरूर चाहिए। अब आपको इसका आगे अपडेट्स दूंगी। साथियों, एवोकाडो प्लांट्स का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।